यार हार गए हम न्यूजीलैंड से वार्म अप मैच। जी हाँ हार गए, मतलब बैटिंग तो हमने अच्छी की थी और स्कोर भी कुछ 346 रन का हमने टारगेट दे दिया था 50 ओवरों में। और 346 टारगेट बहुत ज़्यादा होता है, 50 ओवर में चेज होता है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। लग रहा था हम जीत जाएंगे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से न्यूजीलैंड ने 40 ओवर में ही टारगेट चेज कर लिया। और भाई कोई तरीका होता है यार, ये लोग कोई इन्हें कोई मेरे ख्याल से 60 बॉलों पर 40 रन चाहिए थे, कुछ इस तरह की सिचुएशन थी। ये तब भी छक्के मार रहे, बंदा सिंगल डबल लेता है, सिंगल लो डबल लो, लेकिन दही हमें तो छक्के मार मार के ख़त्म कर रहा है। नवाज मासूम को इनमें कितनी कुट पड़ी है उसे, फिर शादाब खान से मेरा नहीं ख्याल आज बॉलिंग भी कराई गई है, पता नहीं क्यों नहीं कराई गई, बॉलिंग करा ही लेते यार। फिर उसामा मीन ने 2 विकेटें ले ली लेकिन वो भी कोई बहुत ज़्यादा कुट खा के ली थी, और रिजवान ने कैच पकड़ लिया था उस पर जिसकी वजह से उन्हें विकेट मिल गई थी, वरना कुट तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा खाई है। दूसरी तरफ मोहम्मद वसीम साहब को अलग ही अपनी फ्रस्ट्रेशन लगी पड़ी है कि अपने पहले ओवर में कोई 13-14 रन खा के गए हैं, ऊपर से जब रन आउट का चांस था तो इतनी तेज थ्रो फेंकी है। वो तो चलो पहुंच गए थे क्रीज पे, जो भी उनके बैट्समैन थे, आई थिंक विलियमसन थे या रविंद्र थे, वो तो पहुंच गए थे क्रीज तक, लेकिन इतनी तेज थ्रो फेंकी है, सब लोग हंस रहे हैं कि क्या अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है बंदा, इतनी इन्होंने कुट खाई है। विकेट तो उन्होंने भी ले ली लेकिन बहुत ज़्यादा कुट खाई है। और दूसरी तरफ हसन अली से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उम्मीदें लगाए बैठे थे कि ये कुछ कर लेंगे ये कुछ कर लेंगे, उन्होंने भी एक विकेट तो ले ही ली थी पहली बॉल पर, मेरे ख्याल से उनके बैट्समैन को आउट किया था, क्या नाम है उसका, नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन एक बैट्समैन को पहली बॉल पर आउट किया था हसन अली ने। दूसरी तरफ उनकी तरफ बैटिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह रविंद्र साहब को ओपनिंग दी हुई थी आज, और उन्होंने इतना कुटा है, 97 रन बना के गए है, वो सेंचुरी हुई नहीं पर चलो काफ़ी बर्बादी उन्होंने कर ली थी, और वैसे भी प्रैक्टिस में था तो रन्स काउंट नहीं होंगे। दूसरी तरफ विलियमसन साहब ने भी कोई ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है हमारे खिलाफ, 50 रन्स बना के वो भी रिटायर्ड हर्ट चले गए वो भी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी क्या कोई खूबसूरत इनिंग्स खेली है। ऋषभ चैपमैन ने एंड में बड़े छक्के मारे हमें, अल्लाह तो गला ख़राब है, माफ़ कर दो। तो पहले तो हमारी बैटिंग के बारे में बात कर लेते हैं, जो टॉप ऑर्डर बिल्कुल ही फेल हुआ है, और फखर जमान को नहीं खिला रहे थे ये लोग, उसे खिला लेते यार क्योंकि फॉर्म तो उसकी थी नहीं, वार्म अप मैच था वैसे भी काउंट ना होता। तो इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक को बुलाया गया था फखर जमान की जगह, और अब इमामुल हक ने हरकतें शुरू कर दी हैं जल्दी आउट होने की, आज 1 रन पे वो आउट हुए, इमामुल हक की भी फॉर्म नहीं चल रही। दूसरी तरफ आज शफीक साहब भी अच्छी शॉट्स लगा ही रहे थे, लग रहा था कि रन्स करेंगे लेकिन लाइन से वो आगे आए शॉट खेलने के लिए और पीछे से स्टंप आउट हो गए, और उन्होंने पीछे देखना गवारा ही नहीं किया कि अगर क्या पता अगर वो पीछे देख लेते तो कीपर से बॉल, उनके कीपर के हाथ से भी बॉल छूट जाती है, वो पैनिक में आ जाता है कभी कभार कि मुझे जल्दी से इसे स्टंप आउट करना है, ये लाइन से बाहर है, उससे हाथ उसके हाथ से बॉल छूट जाती है, तो बंदा जल्दी से पीछे जाकर लाइन में खड़ा हो सकता है, लेकिन नहीं आपने तो पीछे भी नहीं देखना, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कीपर ने उन्हें आउट भी कर दिया, बिस्मिल्लाह। हमारी बैटिंग की बात अब कर लेते हैं आगे, जिसमें रिजवान क्या यार शेर का बच्चा है कसम से, क्या क्या इनिंग्स खेली, सेंचुरी मार के गए मोहम्मद रिजवान, खूबसूरत इनिंग्स। फिर बाबर बॉय ने भी बहुत ही कोई बाबर किंग मुगले आजम, क्या इनिंग्स खेली उन्होंने भी, 80 रन मार के बाबर आजम भी गए, खूबसूरत इन दोनों ने इनिंग्स खेली थी जिसकी वजह से कोई स्कोर और बन गया था। और जो नया टैलेंट है ना हमारे पास वो है सऊद शकील, क्या इनिंग्स खेली है बॉय ने, मतलब 75 रन मार के गए, क्या इनिंग्स थी। आगा ने भी अच्छा खेला और उन्होंने भी कोई उनके साथ पार्टनरशिप की भी थी, गेंद की भी थी पार्टनरशिप, कोई 21 बॉल पर उनके भी 30-40 रन थे, और उन्हें बैटिंग कोई करने दे ही नहीं रहा था, मतलब साउथ चकील खुद ही आ रहे थे बार बार स्ट्राइक पे। तो एंड में फिर हमारे दोस्त इफ्तिखार चाचू जी ने छक्का मारा, पहली बॉल पर आके उन्होंने छक्का मारा, फिर मेरा ख्याल है दूसरी बॉल पे एक रन भाग लिया था, रन नहीं भागा था पता नहीं,
फिर शेडी बॉय ने भी एंड में आके 2 छक्के लगाए, फिर वो भी आउट हो गए, तो फिनिश तो अच्छा दे दिया इन दोनों ने। ऊपर से आगा साउथ चिचेल का मुकाबला लगा हुआ कि किसको स्क्वाड में लेना है, कि इन दोनों में से किसको ले। मेरे ख्याल से साउथ चिकील को ले लो अभी के लिए, साउथ चिकील ज़्यादा टैलेंटेड है, उन्हें होना चाहिए स्क्वाड में, क्योंकि आगा सलमान उस तरह परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं, तो साउथ चिकील को ट्राई कर लो, चल गए तो चल गए, नहीं चले तो वापस आगा को बुला लेना। हूँ, और ऊपर से उनकी बॉलिंग के बारे में हम बात कर लें तो उनके क्या नाम था, मैट हेनरी ने काफ़ी खूबसूरत बॉलिंग कराई, वो भी विकेट ले रहे थे शुरू में, और खूबसूरत बॉलिंग थी जो इन्होंने मामला को आउट किया था, क्या खूबसूरत आउट किया था। तो इंडिया में मैचेस हो रहे हैं, इंडिया की पिचेस में हो रहे हैं मैचेस, और हम लोग एक्सपोज हो रहे हैं एक्चुअली ना, हम लोग एक्सपोज हो रहे हैं हमारी बॉलिंग लाइनअप से, क्योंकि बैटिंग तो अब हमारी अलहमदिल्ला बहुत टैलेंटेड है, इफ्तिखार भी अब अच्छी फॉर्म में आ गए हैं, वो भी कोई पिछले कोई जब वो उन्होंने डेब्यू किया था उस तरह, तब लोगों को उनसे कोई इतनी खास उम्मीदें होती नहीं थी तब, लेकिन अब अलहमदिल्ला वो भी छाए हुए हैं, और बाबर रिजवान भी फॉर्म में वापस आए आ गए। फखर जमान का फॉर्म से ज़रा स्ट्रगल चल रहा है, उनकी जगह अब्दुल्ला शफीक को वार्म अप बेंच में रखा गया था, पता नहीं वर्ल्ड कप में उन्हें रखेंगे या नहीं, मेरे ख्याल रखेंगे, वर्ल्ड कप में तो रखेंगे। अगला हमारा वार्म अप मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ, और पता नहीं हमने उसमें क्या गंद खोलना, क्योंकि बॉलिंग लाइनअप न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारी काफ़ी एक्सपोज हुई है, और वो तो फिर भी ऑस्ट्रेलिया है भाई। तो चलो यार, बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं मिलता हूँ शेयर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इंशाल्लाह जो अगला ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा वार्म अप मैच होगा मैं उसमें वीडियो लाऊंगा, और फिर हमारा जो वर्ल्ड कप का मैच होगा नेपाल के साथ मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगा। तो चलो यार, बस यही थी आज की वीडियो, मैं मिलता हूँ शेयर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।